हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवाय सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई टू लाईफाई। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं थ्योरम 6.9 के ऊपर। ठीक है, ये क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 है। तो आइए देखते हैं कि थ्योरम 6.9 कहता क्या है और इसे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। इन अ ट्रायंगल, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का हम नाम लिख दे रहे हैं ए बी सी। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए कि हमारा जो एक साइड है और इसका स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो इस जो अपोजिट साइड होगा वो राइट एंगल बनाएगा। ठीक है ना, यानी हम गिवन में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ट्रायंगल जो गिवन हमारा ए बी सी और ए सी, हमने फर्स्ट साइड को क्या लिया है, ए सी ले लिया है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो हम पाइथागोरस थ्योरम में करते थे। ठीक है ना, बट उसमें राइट एंगल ट्रायंगल हमारा गिवन था, बट हमें ये प्रूफ करना है कि ये यदि हमने फर्स्ट साइड मान लिया, इस तरह का यदि कंडीशन आती है तो इसका जो अपोजिट एंगल है वो राइट एंगल होगा। ठीक है ना, इसका मतलब कि टू प्रूफ में हम क्या लिख सकते हैं, टू प्रूफ में लिख सकते हैं कि एंगल बी को हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। क्लियर, आइए देखते हैं कि प्रूफ क्या होगा। लेकिन प्रूफ करने से पहले हमको कंस्ट्रक्ट करना होगा, कंस्ट्रक्शन करेंगे तभी हम कर पाएंगे। तो आइए कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे, हम एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ठीक है ना, नाम दे देते हैं पी क्यू आर, यानी हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल हम बनाएंगे पी क्यू आर, जिसमें एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है और पी क्यू का जो डिस्टेंस हमने लिया है कंस्ट्रक्शन में वो ए बी के इक्वल लिया हुआ है और आर क्यू जो है वो बी सी क्यू। ठीक है ना, अब देखते हैं प्रूफ पार्ट। तो हो जाएगा, जैसे स्टार्ट करते हैं कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगेगा, यानी पी आर जो हाइपोटेन्यूस है वो स्क्वायर इक्वल होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, और क्यू आर की जगह पे हम बी सी लिख सकते हैं। क्लियर, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए और इसे लिख लीजिए बाय कंस्ट्रक्शन। अब क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर जो गिवन पार्ट है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है ना, हम लिख लेते हैं कि दिस वन भी गिवन, आप इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या मिल सकता है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है ना, सेकंड आप ऐसे कर लीजिए। तो इन दोनों का यदि कंपेयर कीजिएगा तो हमें क्या मिलेगा कि ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है, यानी ए सी इज इक्वल टू पी आर, इसे आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब आगे चलते हैं, अब दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या हो जाएगा हमारा, ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, और बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन है, ए सी जो है वो आपका पी आर के इक्वल है, ये हमें कहाँ से लिख रहे हैं, ये फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। ठीक है ना, तो यदि आपको हम देखेंगे कि ये तीनों क्या है, साइड्स इक्वल हैं एक दूसरे के, तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंस है पी क्यू आर के। ठीक है ना, बाई एस एस। ठीक है ना, अब देखते हैं, तो यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा बाई सी पी सी टी। ठीक है ना, और एंगल बी और एंगल क्यू की वैल्यू क्या है, जो गिवन था 90 डिग्री, तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री हैज प्रूव्ड। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ यदि फेसबुक पेज पे हैं तो प्लीज़ पेज को भी लाइक और फॉलो करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।